हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब यह देखना फिजूल है कद आसमान का। और ऊंची उड़ान उड़ने के लिए पंखों की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो दोस्तों, इरादा और हौसला मजबूत रखिए, निश्चित तौर पे आपको भी सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार निरंतर शिक्षा अध्ययनरत रहने से, शिक्षा ग्रहण करते रहने से ज्ञान का प्रसार और प्रभाव भी बढ़ता है, जिससे हमें अधिक से अधिक ज्ञान होता है और एक दिन हम निश्चित तौर पे सफलता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ की पार्ट 3 को पढ़ेंगे। पहली दो वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के इंडिविजुअली क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था। लगभग हमने इंडिविजुअली आए हुए सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था, जो आपको समझ में भी आया होगा। और जिन लोगों ने भी मेरी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखी हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन से जाके वहां से ले लेंगे। अगर आप दोनों वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस चैप्टर का पूरा ज्ञान हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आपसे विद इन सेकंडों में लगना शुरू हो जाएंगे। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आए हैं और लगभग एक वीडियो और देंगे, जिससे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और पूरे टॉपिक में एलसीएम एचसीएफ टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपको निश्चित तौर पे पूरी तरीके से आने लगेगा। तो आज हम लोग देखते हैं एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 3 को, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे और कैसे विदिन सेकंड में आंसर देंगे। पहले हम इसके बेस मेथड को समझेंगे, बेसिक मेथड को जानेंगे, उसके बाद कैसे ऑप्शन दिया रहेगा और ऑप्शन से फिर करेंगे कैसे करेंगे ये देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए लिखा है, टेस्ट का न्यूनतम गुणांक ज्ञात करें, जिससे 18, 21, 24 से भाग करने पर क्रमशः 7, 10, 13 शेष बचे। ये क्वेश्चन है आपका। इस तरह के इंडिविजुअल क्वेश्चन हमने कराए थे, बस उसमें ये लाइन नहीं बोली गई थी कि 23 का न्यूनतम गुणांक ज्ञात करें। तो देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, 18, 21 और 24 दिया गया है। इसमें हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया था कि भाग विधि से निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, निकाल लेते हैं 12, क्योंकि ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक छोटी संख्या से, तब तक काटते हैं जब तक कि 2 से कटना बंद ना हो जाए, और 2 से तब तक काटते रहेंगे जब तक कि 2 से कटने वाली संख्या कम ना हो जाए। देखिए 2 से कटने वाली संख्या खत्म हो गई, अब 3 से काटते हैं। अब यहां पे 3 से जाएगा, एक बार 1 आ गया, यहां पे 7, यहां पे 1, एक बार 7 से और जाएगा, नीचे सब 1-1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पे गुणा करके देखते हैं कितना एलसीएम आया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 3 72, 72 गुणे 7 होगा, 72 गुणे 7 देखिए कितना आता है, 7 दून 14, 7 49, 504 आ गया एलसीएम। दोस्तों यहां कितना आ गया एलसीएम, 504 आ गया। 18, 21, 24 का एलसीएम 504 है। अब कहा गया है प्रत्येक स्थिति में 7, 10, 13 शेष बचे। तो हमने कहा था जब भी एलसीएम निकालेंगे और शेष अलग अलग बचे, तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं कैसे, 18 माइनस 7, 21 माइनस 10 और यहां पे 24 माइनस 13 करते हैं, देखते हैं कितना बचता है। यहां पे हमने घटाया, 11 आया, यहां पे भी 11 आया, यहां पे भी 11 आया, देखते हैं कि यहां पे जब भी हम लोग घटाने के बाद जो आंसर आता है वो सब में 11 11 आया है। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में हमको 11 घटाना रहेगा। इस तरह के इंडिविजुअल क्वेश्चन हमने कराए थे, लेकिन आज यहां पे इतना बढ़ गया है कि 23 का न्यूनतम गुणांक भी बताना है। तो देखिए यहां पे आपको ये दिख रहा है कि हम घटाने पे जो भी संख्या आएगी क्या वो 23 से कटेगी, निश्चित तौर पे यहां संख्या बड़ी दी गई है और यहां पे 3 अंकों में आएगी, यहां पे 4 अंकों में, इसका मतलब ये संख्या नहीं होगी, कुछ ना कुछ हमें गुणा करना पड़ेगा। तो तरीका ये होता है कि यहां पे k की वैल्यू रख लेते हैं, जैसे यहां पे हम k की वैल्यू रखने का मतलब ये है 504 * 1 करेंगे, माइनस ये करेंगे जो भी आएगा, सेकंड नंबर ये करेंगे 504 * 2 - 1 करेंगे। ठीक है, इस तरह हम करके वैल्यू चेक करते हैं, फिर 23 से काट करके देखते हैं, 23 से विभाजित करते हैं और तब तक ये क्रिया करते हैं जब तक कि हमें आंसर ना मिल जाए और 23 से कटने वाली संख्या ना मिल जाए। ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं। हालांकि यहां पे
504 गुणे 6 करेंगे और 11 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए 6 चौक 24 और यहां पे 6 पंचे 30 आ गया और यहां पे 11 घटाएंगे कितना आ गया दोस्तों 3 30 13 आ गया, ठीक है 3013 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। के की वैल्यू यहां पे हमने कितनी रखी है 6 रखी है, के की वैल्यू यहां पे 6 रखी गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि के की वैल्यू 1 2 3 4 5 पांच तक ट्राई करना पड़ा, जब हमने 6 किया तो हमें आंसर मिला। तो ये क्वेश्चन लगभग इस प्रोसेस में करने पे, इस मेथड के द्वारा करने पे हमें लगभग 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, और जो कि हमें इतना समय वहां पे एग्जाम में नहीं होता है। कैसे हमें कम समय में करना होता है ये ध्यान देना होता है। तो देखिए यहां पे कहा गया है 23 का न्यूनतम गुणांक होना चाहिए, 23 का न्यूनतम गुणांक होना चाहिए और इतने से भाग करें तो इतना बचना चाहिए। तो संख्या ये है, हम लोगों ने बेसिक मेथड से देखा, लेकिन मान लीजिए हमारे पास बेसिक मेथड पर टाइम ना हो और हमारे पास समय कम हो तो कैसे करना है, तो हम लोग यहाँ ऑप्शन मेथड से करेंगे। 23 से डायरेक्ट 3024 को काटेंगे, यहाँ पे 3024 को काटेंगे तो एक बार गया 7 आया, फिर 23 करेंगे तो आएगा यहाँ पे देखिए 69 आ जाएगा, 72 23 69 यहाँ पे बचा, यहाँ पे कितना 3 34 आएगा और 34 ये 23 के पहाड़े में 34 नहीं आता, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, इसको भी हटा देंगे। फिर उसके बाद 23 से इसको चेक करेंगे, 23 से कंडम 23 होगा, फिर 7 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 7 और आएगा 70 हो जाएगा, फिर 23 69 होता है, 69 यहाँ पे एक बचा तो यहाँ पे हो गया 12 23 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं 23 23 23 7 हमारा शेष फल बचा जो आगे जो कि 71 हो गया, 23 यहाँ करते हैं 69 और यहाँ पे देखते हैं 2 बच गया, फिर 23 आ गया, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या कट रही है। और हमें न्यूनतम बतानी थी, न्यूनतम अगर ये भी आगे और कटने वाली होंगी तो हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने न्यूनतम ढूंढ लिया और ये इससे बड़ी है, हालांकि ये भी 23 से नहीं कट रही है, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में आपको लगातार 2-3 ऑप्शन कटने वाले मिल जाए तो हमें केवल और केवल छोटी संख्या को ही टिक करना है बस। और यहाँ पे हमने देखा 23 से ये भी नहीं कट रहा है तो अर्थात ये वाला सही हो गया। ये करने में आपको बहुत ज्यादा लगेगा, 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड इससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये प्राइम नंबर था, हमने इससे कट किया तो 3013 आ गया, जिससे ये आंसर हमारा मिल गया। और ये मैथड करने थे, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हम कैसे आंसर लेके आते हैं ये हमें आना चाहिए, और वहां पे हमें समय बचाना है इसलिए हम इसको टिक कर देंगे 3013। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों देखते हैं, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने 23 से बताया था यहाँ पे 13 से है, 13 का न्यूनतम गुणांक क्या होगा जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, हम यहाँ पे 4 5 6 7 8 का लाशा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4 5 6 7 8 का लाशा ले लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 840 और कहा गया है प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे तो यहाँ पे ये आएगा यानी कि 842। तो यहाँ पे देखते हैं 842 ये है, अगर ये 13 से कटता है तब तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं कटता है तो 840 फॉर्मेट हमारा ये होता है। के की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे के की वैल्यू 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे, फिर 4 रख के देखेंगे, जितने पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा हम उससे आंसर दे देंगे। लेकिन यहां पे देखिए ये प्रोसेस हमने आपको बेसिक वाले बताए हैं, ये हमें एग्जाम में नहीं करने हैं, ये हमें एग्जाम में नहीं करने क्योंकि वहां पे हमें टाइम बचाना है। तो देखिए 13 से कटना चाहिए, 13 का गुणांक होना चाहिए, हम इसको कट करके देखते हैं, 13 कंडम 13 यानी कि 12 बच रहा, 122 13 9 117 होता है, 117 यहाँ पे देखा 5 बच रहा, 50 हो गया, 13 के पहाड़े में 50 नहीं आता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब आइए देखते हैं ये 842 यहाँ पे देखते हैं 13 13 78 होता है और यहाँ पे 6 बचता है, 62 आया, 62 नहीं कटेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखते हैं 13 कंडम 13 होता है, 12 बच गया, 122 13 9 117 फिर 5 बच गया, 5 से 52 हो गया, 13 52 यानी कि ये पूरा कट रहा है और यही आंसर हो जाएगा। ये तो एलसीएम था, ये भी नहीं हो रहा है तो ये भी कट नहीं रहा तो हमारा ये गलत हो गया, ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया 2522। उम्मीद करते हैं आपको ऑप्शन मेथड पसंद आ रहा होगा।
इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे और हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करके समय भी बचा लेंगे और सही आंसर भी दे देंगे। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं, 13 और 23 वाले दोनों पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इन दोनों क्वेश्चनों को लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यहाँ पे कहा गया है संख्या 3 अंकों में होनी चाहिए और 3 अंकों में वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए जिसे 6, 9, 12 से भाग करने पर 3 जो है शेष फल बचे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए 6, 9, 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये कैसे निकालते हैं एलसीएम, इनको हम लोगों ने पहली वीडियो में सीखा था। तो एलसीएम यहाँ पे 36 आ जाएगा, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे 6×6=36, 9×6=36, 12×3=36। तो एलसीएम यहाँ पे आ गया 36, देखिए आप देख पा रहे होंगे 36 आ गया। और यहाँ पे कहा गया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो दोस्तों 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 9, 9 होती है, इससे 1 अगर जोड़ देंगे तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अगर 36 से भाग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 36 का गुणनखंड होगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में जो शेषफल देगा यानी कि वो ज्यादा होगा। इसमें हम इसमें करके देखते हैं कैसे, देख लेते हैं। यहाँ पे 3 बार अगर ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार ले जाते हैं, 6×2=12, 6×1=7, यहाँ 72 आ गया, यहाँ पे हम घटा लेते हैं ये, और फिर 27 आ गया, फिर यहाँ पे हम 9 उतार देते हैं, फिर यहाँ देखते हैं कितनी बार जाएगा, 9×3=27 होता है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार ले जाएंगे, 8×6=48, 8×3=24, 24×4=28, ज्यादा हो गया है तो इससे नहीं करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, 7 से ले जाके 7×6=42, 4×7=21, 21×4=25, यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ पे कितना है 7 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे हमने देखा रिमाइंडर 27 आ रहा है, 27 जो कि ज्यादा है, अगर 27 इसमें से कम कर दे तो इसका ये गुणनखंड हो जाएगा। 999 में 3 अंकों की बड़ी संख्या में 27 ज्यादा है, इसको हम घटा देते हैं, देखिए 2 आ गया, 7 आ गया, 972, 972 वो बड़ी से बड़ी संख्या है 3 अंकों की जो इनसे कट रही है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 शेष फल बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 और जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगी 975। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 975 हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ट्रू आंसर इज 975, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे फिर से करते हैं, इसे फिर देख लेते हैं। हम यहाँ पे इन क्वेश्चनों को हम लोगों ने पहले सॉल्व कर रखा है, लेकिन यहाँ पे केवल इतनी लैंग्वेज बढ़ी है, इतना क्वेश्चन बढ़ाया गया कि वो संख्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 6, 9, 12 का भाग दें तो 3 शेष बचे, तो हम लोग 6, 9, 12 में जब भी इसका एलसीएम निकालते हैं देखते हैं 36 आता है। फिर अगर 3 अंकों में चाहिए तो 3 अंकों में हम बड़ा से बड़ा मल्टीपल्स ढूंढते हैं, अगर हम यही मान चलते हैं अगर ये मल्टीपल्स है 36 से पूरा पूरा कटना चाहिएगा, लेकिन हम लोगों ने भाग किया तो 27 यहाँ पे ज्यादा आ गया, मतलब 999 इसका मल्टीपल्स नहीं है, इतना ज्यादा है इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने 27 घटा दिया, 27 घटाने पे 972 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में अभी कहा गया है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 शेष बचने के लिए हमने 3 जोड़ दिया, तो आंसर हमारा 975 आ गया, सही आंसर 975 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसके माध्यम से आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, फिर उसके बाद हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे हम लोग पहले पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 8 है, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है इतने से विभक्त हो जाए, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूरी तरह कट जाए। इसको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 अंकों की छोटी संख्या बताइए, या फिर ये पूछा जा सकता है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या होगी, 10,000 के निकट कौन सी संख्या होगी, ये बताना है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा गया है 10,000 के समीप होना चाहिए, तो पहले हम इसका देख लेते हैं इनसे कौन सी संख्या, तीन सबसे कौन सी संख्या कटती है, 3, 4, 5
6, 7, 8 इनको हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर इसका एलसीएम देखते हैं, एलसीएम कितना आता है ये देख लेते हैं। पहले हम लोग 2 से ले जाते हैं, 2 से ले जाते हैं, 2 से तब तक करते हैं, सब आप जानते हैं जब तक 2 से कटने की संख्या बंद ना हो जाए तब तक हम लोग 2 से करते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से करेंगे, अभी 2 से कट रही है इसलिए हम लोग काट रहे हैं, यहां पे 1 आ गया। अब यहां पे देखिए 3 से कट गया, फिर उसके बाद 5 से कटेगा क्योंकि यहां पे देखिए ये हम लोगों ने कर लिया, ये 5 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 7 आ गया, ठीक है। अब यहां 5 से करेंगे तो सब कट जाएंगी लेकिन 7 बच जाएगा, तो 7 एक बार 7 से चला जाएगा। अब जो भी आएगा इसका मल्टीपल जितना होगा सबके गुणनखंड का मतलब गुणनखंडों का गुणा कर लेंगे तो हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा। तो गुणा करके देखते हैं, 7 बचे 35, ठीक है, 7 बचे 35, 35 किया 105, 105 दूना 210, 210 दूना 420, ठीक है, 420 दूना 840, ठीक है। संख्या आसान थी तो गुणा हो गया, यहां पे कितना एलसीएम आ गया, इन संख्याओं का एलसीएम होगा 840, ठीक है। लेकिन हमें बताना है 10,000 के समीप, 10,000 के समीप बताना है, 10,000 के नजदीक बतानी है, तो संख्या कौन सी होगी, आइए देख लेते हैं। 840 से हम भाग करते हैं 10,000 को, इससे ये पता चल जाएगा कि नजदीक संख्या कौन सी है। एक बार ले जाते हैं, एक दो बार में ज्यादा हो जाएगा, 0, 6 यहां पे जब देखते हैं एक बचता है, फिर यहां पे 0 उतार लेते हैं और यहां पे दो बार फिर ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एक बार और ले जाते हैं, तो यहां पे 0, 6 यहां पे एक कैरी लिया था, 15 हो गया, 760 बच गया, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने देखा कि छोटी संख्या ये बच रही है, मतलब ये कटेगी नहीं इससे। अब यहां पे हमें समझने की जरूरत है, यहां पे समझना है कि या इसमें इसको घटा दे तो नजदीक होगा या फिर इसमें कितना और दे दें जिससे ये संख्या और कट जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम इसको घटाते हैं, घटाने पर ज्यादा दूर चले जाएंगे, और यहां पे नजदीक लाने के लिए यहां पे हम 80 और जोड़ दें, तो 80 और जोड़ देंगे तो एक बार और चला जाएगा, क्योंकि यहां पे 760 है, 80 जोड़ेंगे तो 840 हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में एक बार और भाग चला जाएगा, तो यहां पे 80 जोड़ना नजदीक है, 80 यहां पे जोड़ना नजदीक है, और घटाने की संख्या क्योंकि 760 घटाएंगे, 707 घटाने से अच्छा है 80 जोड़ दें क्योंकि 80 नजदीक है, तो वो निकटतम संख्या कौन सी हो जाएगी, 80। तो यहां पे पूछा गया है 10,000 के नजदीक कौन सी संख्या है, तो दोस्तों 10,000 में कौन सी कम है, 80 कम है, 80 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 10,080 आ गया। तो यहां पे इनसे कटने वाली 10,000 की निकटतम संख्या 10,080 होगी। यही क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन दिए हुए संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम यही करते हैं। और यहां पे हालांकि क्वेश्चन पूछा गया है निकटतम संख्या, निकटतम का मतलब यह है कि 10,000 से नीचे भी हो सकता था, ऊपर भी हो सकता था, लेकिन 10,000 से नीचे होने पे हमें ज्यादा घटाना पड़ रहा है, लेकिन 10,000 के थोड़ा सा ऊपर जाने पे हमें केवल और केवल 80 जोड़ना पड़ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 10,000 की निकटतम संख्या है जो इन संख्याओं से कट रही है। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको 2 क्वेश्चन समझाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला टाइप, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए फ्रेंड देखते हैं, यहाँ पे हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, दोनों क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 2 संख्याओं का लासा 225 है और उन्हीं 2 संख्याओं का मासा 5 है, पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्याओं का लासा 2079 है और उन्हीं 2 संख्याओं का मासा 27 है, दूसरी संख्या यहाँ पे 189 दी गई है, पहली संख्या क्या होगी उन्होंने पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए एक फार्मूला होता है, उसे हम लोग देख लेते हैं फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएल, लासा मासा का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो यहां पे एक दिया गया है, तो यहां पे संख्याएं हमें बताई गई हैं, एलसीएम 225 है, एचसीएल यहां पे 5 बताया गया है
और पहली संख्या 25 बताई गई है और हमसे दूसरी संख्या पूछा गया है। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए जहां पे मल्टीप्लाई में लगा है उधर हम लोग भेज देते हैं, 225 गुणे 5 बटे 25। आप यहीं से डायरेक्ट कट करेंगे क्योंकि आपको टाइम बचाना है। यहां पे हमने आपको सिर्फ बताने के लिए, देखिए हमने कट किया 25 नवैया 225 होता है और यहां पे हमने लिख दिया 45। तो दूसरी संख्या दोस्तों कौन सी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। यहां पे दूसरी संख्या हमें 45 मिल गई। अब सेम वही क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याओं का लासा 2079 है, उन्हीं दो संख्याओं का मासा 27 है और दूसरी संख्या यहां पे दी गई है, पहली संख्या नहीं दी गई है। या फिर ऐसे भी हो सकता था कि लासा ना देता आपको पहली संख्या दे देता, या फिर यह होता कि दोनों संख्याएं आपको बता दे और एलसीएम बता दे मासा पूछ सके, इन चारों में से आपको तीन दे देगा एक नहीं देगा, आप उसका मान बताना रहेगा। जहां पे पहली संख्या नहीं दी गई है तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा और मासा का गुणनफल, एलसीएम इंटू एससीएम का गुणनफल बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पे हम संख्या रख लेते हैं, पहली संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या 189 है और यहां पे एलसीएम 2079 है और एससीएम यहां पे 27 है। यहां पे हम कट करते हैं, देखते हैं 9 की 27, 9 दूनी 18, 1 21, फिर यहां से कट करते हैं 7 की 21, आराम से कट गया। अब इसको हम कट करते हैं 7 दून 14, यहां पे 6 बचा, यहां पे 6, 9 बार गया 7 9 63, फिर यहां पे 4 बच गया 7 27 49 होता है। ये पहली संख्या यहां पे दोस्तों कितनी आ जाएगी, 297। यहां पे पहली संख्या आ गई 297। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला टाइप बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब जितना ये महत्वपूर्ण है उतना ही आसान है, आप बस इस पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है 100 और 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो की कुल संख्या बतानी है। अब यहां पे देखिए दोस्तों 9 और 6 का पूछा गया है, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं कितना आ जाता है, एलसीएम 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, एलसीएम 18 आ गया। आपने देखा कि 18 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कट रही है। इस प्रकार हम देखते हैं, देखिए कहा गया है 18 से, यहां पे ये 18 ही ऐसी संख्या है जो दोनों से कटती है, यानी कि 18 के मल्टीपल हम करते जाएंगे तो हमको आंसर मिलता जाएगा। तो देखिए एक बार 18 के मल्टीपल देख लेते हैं, 18 36 54 72 90 108 126 144 162 और फिर यहां पे 180 और यहां पे 198 198 देखिए यहां पे लिखी है। लेकिन ध्यान दीजिए इन्होंने कहा है 100 और 200 के बीच होनी चाहिए, 100 और 200 के बीच हम लोग ध्यान देते हैं, ये तो 100 के ऊपर हो गई, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहां पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पे कुल मिला के कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, कुल मिला के यहां पे 6 संख्याएं हो जाएंगी। ट्रू आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 6 होगा, 9 और 6 से कटने वाली कुल संख्याएं 6 होंगी। तो लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन बड़े बड़े आ गए, यानी कि पूछ ले 4000 और 5000 के बीच आने वाले कुल पूर्णांकों की संख्या बताओ जो दो संख्याएं दी होंगी जिनसे वो कट रही हो, तो अब ये तो छोटा सा हमने टेबल लिख के आपको समझा दिया, लेकिन बड़ी होंगी तो कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। इस बेसिक मेथड को आप लोगों ने सीख लिया होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं। देखिए एलसीएम हमने आपको बताया 18 आता है, 6 और 9 का एलसीएम यहां पे 18 आ गया। अब यहां पे शॉर्ट ट्रिक करते हैं, देखते हैं, देखिए 200 लिखा है और 100 लिखा है, 100 और 200 के बीच संख्या बतानी है तो हम जो लासा आया उससे हम भाग करते हैं। तो हम यहां भाग करके देखते हैं पूरी पूरी कितनी बार कट रही है, देखिए 18 का 9 18 और यहां पे फिर कैरी चला गया उधर, यानी 11 आ गया पूरा। यहां पे हम पॉइंट में कुछ नहीं लेंगे, पूरा पूरा जितनी बार जाएगा वो ले लेंगे, ठीक है, ये आ गया। वही 18 से यहां करके देखते हैं तो यहां पे कितना आता है, 18 95
ठीक है, पूरा पूरा 5 बार कटेगा और यहाँ पे पूरा पूरा 11 बार कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये 11 आया है, अगर इस क्वेश्चन में ये बात कही गई होती 1 से 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से कटती हो तो कुल 11 पूर्णांक होते। ये संख्या 1 से लेकर 200 के बीच बता रही है, और यहां पे ये कह रहा है 1 और 100 के बीच आने वाले पूर्णांक, 1 और 100 के, यानी कि ये संख्या स्टार्टिंग से आ रही है। अब हमने यहां निकाल लिया 1 से 100 तक के बीच कुल 18 से कटने वाली 5 संख्याएं हैं। तो अब यहां से 100 से 200 के बीच पूछा गया, यहां पे 1 से 200 के बीच में कुल 11 संख्या है, 1 से 200 के बीच में कुल 11 संख्या है, 1 से 100 के बीच में कुल 5 संख्या है, तो बची बीच की संख्या 100 से 200 के बीच में कितनी हो जाएगी, हम लोग घटा लेंगे तो पता चलता है 6 संख्याएं होंगी। देखिए कितनी आसानी से हो गया, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको एक बात कॉन्सेप्ट समझना होता है। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और समझते हैं जिससे आपको और अच्छी समझ हो जाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, सेम क्वेश्चन वही जो अभी हमने किया था, लेकिन इसमें पूछा गया है कि इसके बीच में कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो, संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इससे ज्ञात करना है तो 12, 18, 21 और 32 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि मल्टीपल से ही होगा तो मल्टीपल के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 9, 21, 16, अभी 2 से हमने कहा था तब तक करते रहेंगे जब तक कि संख्याएं 2 से कटनी बंद ना हो जाए। तो देखिए हमने फिर कर लिया 21, यहां पे 4, अभी 2 बार और जाएगा 9, 21 और 2, एक बार और जाएगा 3, 9, 21 और यहां पे 1 आ गया। अब 3 से करेंगे 1, 3, 7, यहाँ पे 1 आ गया। अब 3 से करेंगे, अब फिर यहाँ पे 7 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख गया। तो देखिए अब इनके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिहाई 96, 96 यहाँ पे देखिए 96 और यहाँ पे हम देख लेते हैं 21 और 96 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 96 आया था, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं, 6, 9, 6 दूनी 12, 21, 2 कैरी आ गया, 9 दूनी 18, 2 20 आ गया। हमने आपको मल्टीप्लाई बताया था, जिनको भी ना पता हो कमेंट करेंगे, हम एक अलग सा वीडियो बना के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जल्दी से जी हम आपको बताएंगे। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि हमें मल्टीप्लाई बताइए तो हम आपको एक वीडियो मल्टीप्लाई के कैसे करते हैं, क्विक मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये देखिए, तो यहाँ पे 12, 18, 21 और 32 का एलसीएम कितना होगा, 2016, ठीक है, 12, 18, 21, 32 का एलसीएम 2016 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है 4000 और 5000 के बीच में संख्या बतानी है। अब हमें पता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में संख्या निकालनी है, कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप इससे भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसमें भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि दोबारा में वो 4032 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 32 और 2 दूनी 4, 4032 हो जाएगा। तो 4000 में 1 बार आएगी, 5000 में 2 बार आएगी, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो संख्या 4000 और 5000 के बीच में केवल 1 होगी। यहां पे देखिए 4000 2016 और 5000 2016, इससे हमने भाग किया तो यहाँ पे 2 बार पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे 1 बार। लेकिन हमसे पूछा गया इन दोनों के बीच में कितनी आएंगी, तो हम घटा लेंगे, 2 - 1 कर देंगे, कुल संख्या 1 आएगी। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है वो संख्या बतानी है, तो वो संख्या हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि वो इतनी कठिन संख्या नहीं आई है। तो देखिए यहाँ पे 2016 है और अगली संख्या क्या होगी 2 से गुणा करने पे, 4032, ठीक, 16, 6 दूनी 12, 2, 1, 3, 0 और 4, यानी कि वो संख्या कौन होगी जो 4000 और 5000 के बीच में आएगी, तो वो संख्या 4032 होगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं
आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एलसीएम स्टेप टॉपिक आप लोग पूरा पूरा पढ़ते रहिए, इससे आपको पूरा क्लियर होता रहे। पहले दूसरे पार्ट को जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको ये भी समझ में आएंगे। एक वीडियो हम आपको और प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एलसीएम स्टेप के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपका एलसीएम स्टेप कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचने पाएगा। आप कहीं भी देखेंगे क्विक आंसर आप देंगे और विद इन सेकंड में देंगे और आपको एलसीएम एससीएम टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। तो आप देखिए और पढ़िए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, कहीं पे भी डाउट था कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा जिससे कि और अधिक संख्या में लोग जुड़ सके और वीडियो का लाभ उठा सके। ग्रामीण क्षेत्र तक हमारी वीडियो पहुंचाइए जिससे जो लोग लॉकडाउन की वजह से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन तक हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो आप लोग इसमें सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। धन्यवाद। आज की वीडियो बस यहीं तक।